कि हमको किसकी जरूरत है, बिलियन डॉलर की के बिलियन डॉलर बनाने का आइडिया की। ये मैसेज आपके लिए बहुत महत्व का है। मैं आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए नहीं, मगर मैं आपको सच्चा रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा उसका ज्यादा कड़वाश में बोलूंगा, ऐसा आपको लगेगा। आपके लिए देखो मित्रों, ये पहला क्वेश्चन ही गलत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को बिलियनर बनने का है, तो आपका जीवन ही गलत है, आप खत्म हो जाएंगे। अगर ये सोच के अगर काम करेंगे कि आई वॉन्ट ओनली मनी, पैसा मनी ये तो आते जाते रहते, वो जीवन नहीं है। आप मान बैठे हैं कि ये हमारा पैसा ही जीवन है, पहला उनको निकाल दो। अगर पैसा ही जीवन होता तो गांधी जी के पास पैसा था? गांधी जी के पास पैसा था? उनके लिए मैं थोड़ा विवेचन करूं। दो रूप होते हैं हमारा, हम कीमती होने को मांगते हैं कि हम मूल्यवान बनने को मांगते हैं, मिस प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस है। ये बिलियनर बनने का जो आपका, मिलियनर बनने का जो आपका आपका सोच है, वो तो प्राइस और कीमत है। ये क्या करेंगे आप उनको? मैं आप एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना हूं कि आपको मूल्यवान बनने का है, वैल्यूबल बनने का है आपको, कैसे? तो एग्जाम्पल के साथ मैं ये आपको दिखाता हूं कि आपने किंग एडवर्ड फाइव का नाम सुना? जो लोग ने किंग एडवर्ड फाइव का नाम सुना है वो ऊंचा हाथ करें। किंग एडवर्ड फाइव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना तो ऊंचा हाथ करें, जिसने सुना उसको पहचान, सबने पहचाना। क्यों? 1922 में किंग एडवर्ड फाइव वो ब्रिटिश का किंग था, और उनकी संपत्ति पृथ्वी का मोर देन 25% पृथ्वी का वो मालिक था। हमारे को एक प्लॉट मिल जाए ना, एक फार्म मिल जाए, तब मानते हैं कि हमारे पास तो 50 एकड़ जगह है। किंग एडवर्ड के भाई 100 ईयर्स नहीं हुआ, ये कीमती था। मैं कीमती और वैल्यू की बात आपको बता रहा हूं। किंग एडवर्ड भाई इतना कीमती था कि मोर देन 25% पृथ्वी उनका मालिक था। और उनका दुर्भाग्य तो जो वो कि अभी 100 ईयर्स भी नहीं हुआ और आप सब लोग उनको पहचानते नहीं, बेचारा उनको कितना हर्ट होगा। वो इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा वाला, इसको बिलियन बिलियन आपके आप लिखने जाए तो कंप्यूटर में भी उसका नहीं आवे 25% पृथ्वी। वो टाइम पर गांधी जी था, महात्मा गांधी, तो उनके पास एक पोतड़ी था भाई, पैसा नहीं था आपको मालूम है? नहीं, ये मूल्यवान था, वैल्यू वाला था। तो आज 700 करोड़ की पृथ्वी ऊपर जो बस्ती है उसमें से मोर देन 400 करोड़ लोग गांधी जी को पहचानते हैं, और किंग एडवर्ड फाइव को 25-50 करोड़ ही पहचानते हैं। तो ये गांधी जी की पांच भाई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उसको तो जेब ही नहीं था, और आप लोग उनको, उनका अभी हमारा सबके जेब में आ गया 130 करोड़ बोलते हैं ना, तो 130 करोड़ की जेब में गांधी जी आ गया। क्यों? ये वैल्यू था, मूल्यवान था। आप में समझ में आया? गांधी जी मूल्यवान था, हमको मूल्यवान बनने का है, कीमती नहीं। आपका जो सोच है ना कि हमको मिलियनर बनने का है, बिलियनर बनने का है, ये सोच कीमत है। तो क्या करोगे आप अगर मूल्य नहीं होगा? तो मूल्यवान बनो, कीमती का कोई बिलियन मिलियन की कोई जरूरत नहीं है।